हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। आप सभी को बताया कि बोनस सरकार ने जो है आपको प्रोवाइड करा दिया है। अब उसके बाद जो है आपके महंगाई भत्ते यानी डीएनएस अलाउंसेस और डीएनएस लीव में जो है बम्पर बढ़ोतरी हो सकती है। इसके रिगार्डिंग जो है श्रम मंत्रालय की तरफ से बहुत बड़ा आदेश अभी जारी हुआ है। तो इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि आपको जो डीए और डीआर है यानी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत वो कब से बढ़कर मिलेगा। तो ये वीडियो सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यानी डीए और डीआर के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पहली बार आए यानी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए इस घंटे के निशान को हिट करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा हमारे चैनल पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, डिफेंस, पोस्टल, रेलवे, डाक सभी टाइप के कर्मचारियों और पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स के लिए हम न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं उस ऑफिशियल नोटिस। आप देख सकते हैं जारी किया गया 16 अक्टूबर को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से। जो आप देख सकते हैं मीडिया में खबरें चल रही थी कि सरकारी कर्मचारी, इस टाइटल से जो खबरें चल रही थी कि सरकारी कर्मचारी अधिक महंगाई भत्ता डीए पाने के लिए रहे तैयार, शीर्षक से मीडिया के एक वर्ग में चल रही खबरों का केंद्रीय कर्मचारियों ने खंडन किया। यानी कि जो खबरें चल रही थी कि बेसिकली जो आपका डीए और डीआर होता है वो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा होता है जो हर मंथ की लास्ट वर्किंग डे को लेबर ब्यूरो की तरफ से जारी किया जाता है यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से जारी किया जाता है, उसमें जो डेटा होता है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, उसका जो बेस होता है वो सरकार ने अभी तक 2001 रखा हुआ है। तो रिपोर्ट्स में ये मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबरें आ रही थी कि उसका बेस ईयर सरकार जो है 2016 करने जा रही है, जिससे काफी हद तक डिफरेंस मिटेगा और आपका डीए और डीआर में काफी जो है बढ़ोतरी होगी। लेकिन सरकार ने ये बोला कि हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि जो सरकार आगे 21 अक्टूबर 2020 को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की जो है नई श्रृंखला जारी करने जा रहा है और उसका जो बेस ईयर होगा वो 2016 को मानकर करेगा, लेकिन ये कहना बिल्कुल भी जल्दबाजी होगा कि उससे कर्मचारियों और पेंशनर्स का जो डीआर है उस पर जो है बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी, ये कहना भी इस चीज की भविष्यवाणी करना बहुत ही जल्दबाजी होगा, ये जरूर उन्होंने बोला है। पूरा देखेंगे अब क्या बोला है उन्होंने। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 16 अक्टूबर 2020 को मीडिया के एक वर्ग में सरकारी कर्मचारी अधिक महंगाई भत्ता पाने के लिए तैयार, इस शीर्षक से प्रकाशित होने वाली रिपोर्टों का खंडन किया गया है। इस संबंध में यह कहा जा रहा है कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने रिपोर्ट का यह कहते हुए खंडन किया है कि उसने कभी यह नहीं कहा कि नए सूचकांक में औद्योगिक श्रमिकों और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। मंत्रालय का स्पष्टीकरण निम्नलिखित है, यानी जो सरकार ने मंत्रालय ने बोला वो उसका क्लेरिफिकेशन नीचे आप देख सकते हैं। इस तथ्य के अनुसार कि श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय जिसे श्रम ब्यूरो बोला जाता है 2016 को आधार वर्ष मानकर औद्योगिक श्रमिकों सीपीआई आईडब्ल्यू के लिए 21 अक्टूबर 2020 को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला जारी करने जा रहा है। यानी यह बिल्कुल सही बात है कि अब जो बेस ईयर होगा वो आने वाले दिनों में यानी 21 अक्टूबर के बाद से उसको 2001 की जगह 2016 होगा, ये बिल्कुल सही बात है। हमने आपको पहले भी बताया था यह सूचकांक सरकारी कर्मचारियों, संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को देय महंगाई भत्ते में संशोधन के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि श्रम मंत्रालय ने यह कभी नहीं कहा कि नए सूचकांक से औद्योगिक श्रमिकों और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी, यह नई श्रृंखला के व्यवहार पर निर्भर करेगा और इस समय इसके बारे में भविष्यवाणी करना बहुत ही जल्दबाजी होगी। तो सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि सरकार 21 अक्टूबर 2020 से जो उसका सीपीआई आईडब्ल्यू का जो बेस ईयर 2001 की जगह 2016 को मानने जा रही है 21 अक्टूबर 2020 से, लेकिन ये कहना भी बहुत ही जल्दबाजी होगा, इस चीज़ की भविष्यवाणी करना बहुत ही जल्दबाजी हुआ कि आपके इससे कर्मचारियों के वेतन में और औद्योगिक श्रमिकों के वेतन में जो है बढ़ोतरी हो सकती है। आगे आने वाले दिनों में इस पर जो है कई सारी चीज़ों पर उसके बिहेवियर पर डिपेंड करेगा, उसी के बाद पता चल पाएगा कि कितनी बढ़ोतरी होगी कर्मचारियों और जो है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के सैलरी और पेंशन में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, अच्छा लगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी दोस्तों के साथ में। ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।